दिल्ली में आज व्यापारियों के विरोध के चलते दिल्ली बंद रहेगी। आज रिटेल और होलसेल मार्केट पूरी तरह बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर या डेयरी जैसी जरूरतमंद दुकानों को भी आज बंद रखा गया है और इस बंद को दिल्ली के 1200 से ज्यादा व्यापारिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है। इसमें आज 7 लाख से ज्यादा व्यापारी कारोबार ठप रखेंगे, बंद रखेंगे। कई राजनीतिक दलों ने भी इस बंद का समर्थन किया है। अपने विरोध को जताने के लिए व्यापारी 100 से ज्यादा बाजारों में सीलिंग शव यात्रा निकालेंगे। ये शव यात्रा कश्मीरी गेट मार्केट से निगम बोध घाट तक जाएगी। वहीं दिल्ली के नामी मार्केट करोल बाग में व्यापारियों की महापंचायत भी होगी। वहीं अगर बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की करें तो उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बीच दिल्ली सरकार ने कन्वर्जन चार्ज घटाने के लिए DDA को फटकार भी लगाई थी। क्या सीलिंग से बचेगी दिल्ली? क्या सीलिंग के सितम से व्यापारियों को मिलेगी राहत? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस ने इस बैठक में शामिल होने के लिए हामी भी भर दी है। बैठक से पहले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने व्यापारियों के साथ मीटिंग की और सर्वदलीय बैठक का खाका तैयार किया। हम लोग जाकर के सर्वदलीय बैठक में जाएंगे और हम लोग उसके अंदर अपनी पोजीशन रखेंगे। लेकिन सीलिंग पर केजरीवाल के बुलाए सर्वदलीय बैठक में बीजेपी को सियासत नजर आ रही है। बीजेपी ने केजरीवाल की नियत पर सवाल उठाते हुए सर्वदलीय बैठक में जाने से इनकार कर दिया है और पार्टी ने जवाबी पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल पर ही निशाना साधा है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सांठगांठ का भी आरोप लगाया है। ऐसी सर्वदलीय बैठक जो आप कांग्रेस और आप साठगांठ कर रहे हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ व्यापारियों और बाकी जनता में एक भ्रम पैदा करने के लिए और वोट बैंक की राजनीति के लिए। उधर आम आदमी पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सीलिंग पर वो एक्शन मोड में है। पार्टी इस मुद्दे पर सभी दलों को साथ लाकर संसद में बिल पास कराकर व्यापारियों को राहत देने की मांग कर रही है। वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, व्यापारियों के साथ हम हैं, तो एक संशोधन बिल लाकर और व्यापारियों को राहत दे। इतनी भाई, जैसे हम कहते हैं हम साथ हैं, तो किस बात के लिए साथ हैं? गाना गाने के लिए साथ हैं कि मुगल गार्डन की सैर करने के लिए साथ हैं? भाई व्यापारियों को राहत देने के लिए साथ है ना, तो व्यापारियों को राहत कैसे मिलेगी? पार्लियामेंट में बिल पास करके। कहने को तो ये सर्वदलीय बैठक होगी, लेकिन बैठक में बीजेपी के नहीं शामिल होने के बाद सवाल अहम यही है कि आखिर समाधान निकलेगा तो निकलेगा कैसे, क्योंकि समाधान की असली चाबी तो बीजेपी के पास है। टीम न्यूज नेशन। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कनॉट प्लेस से रविकांत राय और साथ ही मयूर विहार से दीक्षा पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। रविकांत का रुख करेंगे। सबसे पहले रविकांत, साफ तौर पर यहां पर सियासत होती दिखाई पड़ रही है, क्या समस्या को लेकर वाकई राजनीतिक पार्टियां गंभीर हैं? अरविंद केजरीवाल ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई है उसे किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, बहुत ही हास्यास्पद बात है कि तीनों ही पार्टियां दिल्ली की ये कह रही हैं कि वो व्यापारियों के साथ हैं और सीलिंग के मुद्दे पर एक साथ हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे निकले इस बात को लेकर कोई एक साथ नहीं है। क्योंकि जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा, उसमें बीजेपी जो है नहीं जा रही है, ऐसा बीजेपी के सूत्रों ने बताया है। सबसे अहम बात यह है, अगर तीनों ही पार्टियां इस मुद्दे पर एकजुट होकर एक आम राय बनाती हैं और केंद्र सरकार से इस पर चर्चा कर पार्लियामेंट में अगर आम सहमति से बिल लाया जाता है तो व्यापारियों को राहत मिल सकती है। लेकिन इस मुद्दे पर तीनों ही पार्टियां वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हूँ और मेरे ठीक पीछे आप देखिए ये जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं और आमतौर पर यहाँ पर बिल्कुल CP में देख सकते हैं कि दुकानें बंद है। दीक्षा पांडे का रुख करेंगे, मयूर विहार में क्या हाल है? दीक्षा, आपसे जानना चाहेंगे, व्यापारियों ने बंद बुलाया है, साफ तौर पर दबाव ये बढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं यहाँ पर, उनका क्या रुख है फिलहाल सीलिंग को देखते हुए? बहुत
बंद का असर जो है वो दिल्ली में साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर अभी मैं मयूर विहार में हूँ और यहाँ पर जो सभी दुकानें हैं वो बंद नजर आ रही हैं। इस वक्त तक इस बाजार में काफी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ इक्के दुक्के लोग ही नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, सीलिंग को लेकर व्यापारियों में काफी विरोध है, आक्रोश है, और आज इसके विरोध में वो कई बाजारों में शव यात्रा निकालने वाले हैं और इसकी शुरुआत जो है वो कश्मीरी गेट से होने वाली है। और आज जो है बीजेपी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। बिल्कुल, पीछे किस तरह से दुकानें बंद हैं और लोग क्या कह रहे हैं हम आपसे जानना चाहेंगे और वो तस्वीरें चाहेंगे कि आप दिखाएं। हालांकि बाजार बंद होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, उनको ज़रूरत के सामान जो है वो मिल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी यहां पर परेशान हैं। लेकिन व्यापारियों का कहना है कि जब तक ये समस्या जो है वो सुलझ नहीं जाएगी, वो अपना विरोध इसी तरह लगातार जारी रखेंगे। अगर हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाएँ तो किस तरह से जो सभी दुकानें हैं वो बंद यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और अगर हम इधर की नहीं सड़क के उस पार भी अगर बात करें तो सभी दुकानें जो है वो पूरी बंद हैं। तो कहीं ना कहीं ये व्यापारियों का एक विरोध का तरीका है, और जाहिर सी बात है वो एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, दबाव बनाने की कोशिश है। दीक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया आपको जानकारी के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए। बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे।